ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात हुई है। लुटेरे सोने चांदी के आभूषण से भरे दो बैग लूट कर फरार हो गए। बैग में नकदी सहित लाखों रुपए के आभूषण थे। हथियार लैस तीन बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने बंदूक दिखाकर ज्वेलर्स से मारपीट की है। नकदी और आभूषण से भरे दोनों बैग छीन कर लुटेरे फरार हो गए। इधर सूचना पर जुबनेर की पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की तलाश के लिए इलाके में कड़ी नाकाबंदी। हिंगोनिया गांव में पवन कुमावत के साथ लूट की वारदात हुई है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो आपको बता दें कि दुकान से घर लौट रहा था ज्वेलर, उसके साथ ये लूट की वारदात हुई है। तीन बदमाश हथियार लैस आए और पहले ज्वेलर के साथ इन बदमाशों ने मारपीट की। उसके बाद दो बैग जिनमें आभूषण भरे हुए थे, आभूषणों से भरे दो बैग ये तीन बदमाश लूट कर फरार हो गए। हालांकि बंदूक की नोक पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्वेलर के साथ मारपीट भी की गई है। वहीं सूचना पर जुबनेर सुरेश सिंह मौके पर पहुंचे। बदमाशों की तलाश के लिए इलाके में नाकाबंदी की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ जगदीश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, पहले ज्वेलर के साथ मारपीट की गई है, तीन बदमाश आए और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी ज्वेलर ने क्या कोई जानकारी दी है, किस तरीके की, कहां की वो गाड़ी थी, क्या वो दोपहिया वाहन था या फिर चार पहिया वाहन था और कहां की वो गाड़ी थी? पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है? जगदीश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियंका, ये जोमनेर थाना इलाके के हिंगोनिया गांव का मामला है। मात्र दुकान से 500 मीटर की दूरी पर ये इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद में एक बाइक सवार तीन युवकों ने इसी घटना को पूरी को अंजाम दिया। ज्वेलर से मारपीट किए पहले बंदूक दिखाकर, उसके बाद में उससे फोन छीनाए और जो आभूषणों से भरे दो बैग थे उनको छीनाए। आभूषण करीबन 40 लाख के करीब के बताए जा रहे हैं और 3 लाख की नकदी भी बताई गई है। और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते एक टीम भी गठित की है। मौके पर SHO सुरेश सिंह भी पहुंचे हैं, DSP नरेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने इस मामले की जानकारी लेकर CCTV फुटेज खंगाले है और अभी इसी मामले को देखते हुए यहाँ जो पुलिस महकमा पूरा हरकत में है। लेकिन इस घटना को लेकर हिंगोनिया गांव के सारे व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने इस घटना के बाद में पूरे मार्केट को शांतिपूर्ण बंद किया है और जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और अभी तक ही 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। जगदीश, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था जो उसे बचा लेता? ज्वेलर के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या लगता है, क्या पहले से उसकी रेकी की जा रही थी तब इस वारदात को अंजाम दिया गया है? जो बदमाश आए थे उनकी गाड़ी का कोई नंबर पुलिस को पता लगा हो या फिर ज्वेलर ने कोई जानकारी दी हो? जगदीश, आपको बताना चाहूंगा कि ज्वेलर ने जानकारी दी कि ये दुकान से मात्र 500 मीटर की दूरी पे थे और अकेला था और सुनसान इलाका था, उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया है। और इस जानकारी मिली है कि जो पवन कुमार ज्वेलर था वो रोजाना की दुकान से पूरा सामान घर लाता था और ले जाता था, तो इस वजह से इसकी पहले रेकी की गई थी। रेकी के बाद में तीन बाइक सवार बदमाश पहले आगे खड़े थे और एक ही बाइक सवार बदमाश से पीछे से रेकी कर रहा था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके बाद में इन्होंने इसको रोका है बीच रास्ते में, फिर इसे मारपीट किए, बंदूक दिखाकर इससे दोनों बैग छीने और मिली जानकारी विश्वसनीय एक फायर भी हुआ है जो पुलिस अभी उसी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। को अंजाम दिया गया है, इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या वहां पर कोई CCTV फुटेज मौजूद नहीं था जिसकी वजह से बदमाशों को तलाश करना आसान हो जाए पुलिस की ओर से? और ये मामला कितना पुराना है, क्या ये अभी का मामला है या कुछ देर पहले का, ये कब का मामला है और पुलिस ने अभी तक इस मामले पर क्या क्या किया है? जगदीश, ये कल बीती रात का मामला है, 6-7 बजे के लगभग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और CCTV फुटेज वहां पर
नहीं, जिसकी वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाई है। और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए उसमें रात्रि होने की वजह से उन साफ दिखाई नहीं दे रहे सीसीटीवी फुटेज के बदवास, ये जानकारी अभी तक सामने आई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, दुकान से घर लौट रहा था ज्वेलर जब उसके साथ इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।